क्या सवाल है, थोड़ी सी गफलत इतने बड़े आजम और कमाल से इंसान को मारूफ कर देती है। चुनाचे आप देखें कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात से नमाज पढ़ने की इतनी ताकीद फरमाई एक तरफ और दूसरी तरफ सख्तरीन बड़ी शिक्षा फरमाई सख्तरीन फरमाया। जो लोग मस्जिदों में नमाज के जमात के लिए नहीं आते हैं और अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं इधर जमात पढ़ी कर दूं, नमाज अपनी जगह होती रहे। मैं जब नौजवानों को हुक्म दूं कि जाओ लकड़ियों का अंबार जमा करके लाओ और लकड़ियां जब आ जाए तो मैं उन नौजवानों के साथ चला जाऊं उनके घरों में और उनके घरों को आग लगा कर मालूम करूं। ये कौन कह रहा है? वो नबी कह रहा है कि नबी के बारे में कुरान शहादत देता है और उनको कभी इंतहाई गद्दे का कभी इंतहाई गद्दे का मेहरबान अपनी उम्मत और वो कहता है मेरा दिल ये चाहता है उसके घर को आग लगा कर आग कर दूं और बिल्कुल खत्म कर दूं। नमाज में आने वाला जमात की पाबंदी न करने वाले को इतनी सख्त आती और इतनी सख्त आई चुनाचे यहां का फरमाया गया मस्जिद के पास रहने वाले की नमाज बगैर जमात बगैर मस्जिद के होती ही नहीं। इसकी आप हजार तारीफ करें हजार मानव की तौजीहात करें लेकिन बाबा अल्फाज बड़े सख्त हैं। ये जो मस्जिदों में नहीं आते हैं, घरों में नमाज पढ़ते हैं, जमात का एहतमाम नहीं करते हैं, सब तरीन बात कही गई। अगर अब्दुल्ला आंखों से मानूर है आकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप कहते हैं कि हजरत क्या मेरे लिए अपने घर में नमाज पढ़ने की उज्जत है इजाजत है जबकि मेरी आंखें नहीं है और घर काफी दूर है, घर कहीं भी नहीं, घर काफी दूर है और ऐसा कोई मेरे पास मुझे ले आने जाने वाला भी कायदे का नहीं जो सही रास्ता दिखा दे। ऐसा बेहतर इंसान जो बराबर हमारी चिंता कर सके इस लायक आगे आदमी भी मेरे पास है, क्या मुझे मकसद है कि मैं अपने घर में नमाज पढ़ू? आपने फरमाया नहीं उनको अपने घर में नमाज पढ़ने के मकसद नहीं। बोले अगर भाई नाबीना से कहा जा रहा है वो जिनका घर दूर है अभी तो लाने ले जाने के लिए कायदे का आदमी बड़ा स्वर नहीं है और वो है भी तो उतना कायदे का आदमी नहीं है उससे फरमाते हैं उनको मकसद नहीं तो फिर आप सोचिए बाकी लोगों का क्या हाल होगा। इसी वजह से हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी कलीले किसी गांव किसी इलाके में तीन आदमी रहते और वो जमात से नमाज न पढ़ते हो तो ऐसी सूरत में शैतान उन पर मुसल्लत कर दिया जाता है। तीन आदमी भी अगर है किसी जगह पर तो जमात का इस्तेमाल वहां भी हो परिये में उस बाजार में गली में ऊंचे में भी हो मस्जिद नहीं है उसी जगह कहीं जगह किसी जगह खड़े होकर तीन आदमी जमात से नमाज पढ़े करके जमात आपने बताया उस पर जमात लाजिम है और मैं शैतान भेड़िया की निशान फरमाई भेड़िया एक बकरी जो अलग हो रही से उसको उचक ले जाता है को खा जाता है इसी तरह से शैतान अकेले अकेले इंसान उस पर अपना हमला कर देता है और जमात से नमाज पढ़ने में हमले से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाते हैं। लेकिन जना इतने आपके अवकाल आपके सताई बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सताई से मिलते जुलते वो फरमाते हैं हमने ये देखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुनाफिक के वो मुनाफिक जिसकी मुनाफत सबके सामने आया है रोशन और वाज है उसको छोड़कर हर आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जमात में शरीक होता था। यहां तक के एक शख्स अगर वो मस्जिद में आसानी से नहीं आ सकता था तो दोनों आदमियों के सहारे से मस्जिद में हाजिर होता था कहीं उस पर निभा का छुपा हो और ये फरमाया उसके बाद कि अगर तुम
अपने घरों में नमाज पढ़ने लगोगे और सुनकर रसूलुल्लाह को छोड़ दोगे या कफर पर तो बहुत लाओगे होगा ये नमाज जमात से छूटी भी रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता नमाज घरों में शुरू हो जाएगी, नमाज घरों में जब शुरू होगी तो फिर वह सब हो आएगा पांच में से चार नमाज हो जाएगी, चार में से तीन, तीन से दो, दो से एक, और कभी वो वक्त भी आ सकता है कि नमाज कुल और फिर खुदा नखास्ता खुदा नखास्ता सुन्नतों के बाद फिर फराइज के फराइज हो गए और फराइज के बाद फिर महूसत आती है कुफ्र की और खुदा नखास्ता कुफ्र पर उसकी वफात हो जाए। ये मामूली चीजें नहीं, इस्लाम ने हर एक चीज को एक दूसरे के साथ मजबूत रखा है और यहाँ अपनी सुन्नत पर जमा रहता है सारी चीजें दिल जा रहती है फिर हमारा तलब तो खत्म हो जाएगा, हमारी हमारी पहचान इस मुल्क से खत्म हो जाएगी, सुन्नतें खत्म होती जाएंगी तो पहचान मुश्किल है। आज अल्लाह की रहमतें नहीं आती है, सुन्नतों की बरकत से अल्लाह की रहमतें आती है, अल्लाह के आने और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से अल्लाह की रहमतें आती है और जब ये चीजें टूटती है तो फिर अल्लाह का फजल नाजिल होने लगता है और तरह तरह से मुसीबतों के अंदर इंसान फंसता है, मुसीबतें आती है, परेशानी आती है और कभी कभी पूरी कौम के ऊपर आफत आती है हमारे अपनी नालायकी के और कमजोर हमारे अमाल के हमारे अमाल पर की नहुसत से अल्लाह ताला के अजाब के फैसले पर मांगे आप समझते नहीं यहाँ से कहाँ क्या होगा। आज मुसा का जायजा नहीं लेना, इन चीजों को देखना है, इन चीजें हम हदीस में सप्लाई देंगे कि सूर्य तक पहुंचे इसके माने क्या, इसके माने क्या कुफ्र तक पहुंचने का मतलब अल्लाह राजी है कुफ्र के या अल्लाह नाराज होता है, जब कुफ्र पर पहुंचे तो अल्लाह नाराज होता है तो आसमान के फैसले रहमतों के नामी होंगे कि अल्लाह ताला के अजाब के फैसले नामी होंगे, ये जायजा लेना इसकी तरह तवज्जो देने की जरूरत है वरना देखते 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 कितने अमाल हमसे खत्म होते जा रहे क्या हमारी सुनाह और बाकी रहे। मौलाना अली ने जो कहा था कि ये जमीन या आपके हिंदुस्तान के पास खत है जमीन जिसको उन्होंने कहा था अक्का अर्ज है ये जमीनों को खाने वाले और ये उम्मत अक्का उम्मत है तमाम उम्मतों को हल करने वाली क्या मतलब आने वाली उम्मतों को खाने वाली उम्मत जमीन के जमीनों को खाने वाली जमीन मतलब ये है कि जितनी तहजीबें जितने सकाफतें और जिसके कल्चर हिंदुस्तान की तरगी में आए आए और मिल गए लेकिन पर इस्लाम का कल्चर इस्लाम की तहजीब और सुनने रसूलुल्लाह की देखो दीनत आज तक आती है ये जमीन उनको खा रही है क्यों नहीं खा रही हमारी औलाद की वजह से खा रहे थे हमने औलाद में तो खाने रखा है इस सुन्नत को इस तहजीब को इस सकाफत को जिसको अल्लाह ने अपने पैगम्बर के जरिए हमारे पास भेजा था हमने उनको पाने रखा है इसलिए सारी तहजीबें खत्म हुई लेकिन ये तहजीब ये सुन्नत और ये इस्लामी कल्चर इसका जमीन में खत्म नहीं होता क्योंकि अमल करने वाले जिंदा है और इनमें हमसे बहुत बाकी है इनमें अभी बहुत जज्बा बाकी उम्मतें खा रही कहाँ उम्मतें सारी उम्मतें आज सारी उम्मतें बना के चालू कर रही लेकिन ये उम्मत है और कयामत तक रहेगी इसलिए कि उम्मत के हम तालुक और नीत से जब तक ये उम्मत तौहीद से वाबस्ता रहेगी मुस्तहकम रहेगी इसको दुनिया की कोई ताकत पिटा नहीं सकेगी। ये यकीन मानिए आप।